कोर्ट पे बोला है सीबीआई ने कि हम इसके क्लोजर रिपोर्ट लगाने वाले हैं, लगा सकते हैं। देखिए इनके पास कुछ किया तो है नहीं, तो कोर्ट में इन्हें बार बार फटकार पड़ती है, तो अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए इन्होंने सोचा कि आप क्लोजर रिपोर्ट ही लगा दें। जबकि शुरू में जब मैंने मेरा केस इनके पास कोर्ट ने दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैडम आप परेशान मत होइए, हम नजीब को सही सलामत ढूंढ के लाएंगे। और हमारी 8 स्टेट में पुलिस और मुखबिर काम कर रहे हैं, तो बताइए वो 8 स्टेट के मुखबिर और पुलिस आखिर कहाँ है, क्या क्लू निकल के आ रहा है, कुछ तो पता चले कहाँ है नजीब, क्या हुआ उसके साथ। तो कुछ जवाब तो देते नहीं है, बस क्लोजर रिपोर्ट लगा देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ हमें दिलासा दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे। इन्होंने जो किया है, इन तीनों टीमों ने, पुलिस हो, SIT हो, क्राइम ब्रांच हो और CBI, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए किया है। और इनका टारगेट है मुस्लिम दलित, ये चाहते हैं कि किसी सूरत से इन्हें इतना दुखी कर दें कि ये किसी लायक न बन सकें। जहाँ भी इन्हें मुस्लिम या दलित आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जैसे रोहित वेमुला को मार दिया इन्होंने, ऐसी नजीब को गायब कर दिया, तो ये एक बंदे को बर्बाद करके उसके पूरे एक खानदान को बर्बाद करते हैं, आने वाली एक पीढ़ी को बर्बाद कर देते हैं। ये दलित की शादी होती, बच्चे होते, पढ़ लिख के सवाल पूछते, नजीब की शादी होगी, बच्चे होंगे, वो सवाल पूछेंगे, तो वो एक बंदा नहीं बल्कि एक खानदान बर्बाद करते हैं। तो इनका ये मिशन है इस तरह से, तो हमें इनके मिशन को कामयाब नहीं होने देना, इन्हें तो जड़ से उखाड़ फेंकना है मिलके, हम सब मिलके। जो लोग इस मोदी सरकार से दुखी हैं, परेशान हैं, उसे इस बार बिल्कुल कहीं से कहीं तक आने नहीं देना है, इसे उखाड़ के फेंक देना है। और जिन माँओं को इसने सताया है, चाहे वो रोहित विमला की माँ हो, चाहे जुनेद की माँ हो, चाहे मैं हूँ या और बहुत सारी माँ हैं जिन्हें मैं नाम से नहीं जानती हूँ, उनके आंसू इस हुकूमत को लेके डूब जाएंगे।